चैनल वाई देख रहे सारे ही दर्शकों नूं इंद्रजीत सिंह बख्शी लो प्यार भरी सत श्री अकाल। हुण नज़र मारदे आं पंजाब दीआं 10 वड्डीआं खबरां ते। पिछले समय पंजाब विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दी घटनावां ने हर एक नूं झंझोड़ के रख दिता। उस समय तो लैके हुण तक लगातार बेअदबी दीआं घटनावां लगातार जारी ने। सरबत खालसा दे जथेदार वल्लों इंसाफ ना मिलण उत्ते बरगाड़ी विच 1 जून तो इंसाफ मोर्चा शुरू किया गया, जिसकी अगवाई जथेदार भाई ध्यान सिंह मंड वल्लों की जा रही है। बरगाड़ी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी मामले में पंजाब पुलिस वालों डेरा प्रेमियों को नामजद किया, हुण डेरा प्रेमियों को सीबीआई जांच कर रही है। पर बरगाड़ी में चल रहे इंसाफ मोर्चे की अपनी मांग है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बरगाड़ी पहुँच के दोषियों की पुष्टि करन। आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान भगवंत मान ने कहा कि पार्टी पंचायती चोणा पूरे जोर शोर न लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि डोप टेस्ट सरकार का नशे के गंभीर मुद्दे तो ध्यान भटकाने का जरिया है। पंचायती चोणा के पुछे सवाल उत्ते भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे जोश नाल पंचायती चोणा लड़ेगी। जिक्र योग है कि विधानसभा चोणा तो बाद आप दा होर किसी चोण विच प्रदर्शन चंगा नहीं रहा। नशे के मुद्दे से संगरूर तो सांसद मैंबर ने कहा कि वड्डियां मच्छियां दा ना बच्चे बच्चे नूं पता है, सरकार उन्हां नूं हाथ नहीं पा रही। पटियाला के केंद्रीय जेल च फांसी की सज़ा आपता बलवंत सिंह राजवाणा ने 16 जुलाई तो भुख हड़ताल का ऐलान किया है। राजवाणा ने यह ऐलान श्रोमणी कमेटी वालों उसकी फांसी की सज़ा की उम्र कैद च तब्दील करने वाली अपील की पैरवी ना किए जाने उत्ते किया है। इस संबंध में राजवाणा ने केंद्रीय जेल पटियाला के सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखदिया सूचित किया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों फांसी की सज़ा ना संबंधित देश के राष्ट्रपति को 28 मार्च 2012 नूं पाई गई अपील की कोई पैरवी ना करन दे रोष वजो 16 जुलाई तो मैं भुख हड़ताल कर जा रहा हूँ। विरोधी धिर के लीडर सुखपाल सिंह खैरा ने विवादित मोगा के सबका SSP राजजीत सिंह समय पुलिस की वड्डी अणगहली का पर्दाफाश करन दा दावा किया। सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि पुलिस ने मोगे के नौजवान उत्ते NDPS एक्ट तहत नशे का झूठा केस पाया। खैरा ने उक्त नौजवान परमिंदर सिंह के मापियां नाल कहा कि बीती 29 मार्च में मोगा इलाके गोविंदगढ़ महल्ले विच परमिंदर सिंह नूं घरों चुकिया। पुलिस ने 31 नूं उसकी गिरफ्तारी दिखाई अते जिस विच 110 ग्राम हैरोइन अते 1 पिस्टल मुंडे उत्ते पाया गया। 2 मुंडे होर भी नाल गिरफ्तार किए गए जिन्हां नूं परमिंदर जानदा तक नहीं सी। उन्होंने कहा कि सारे की गिरफ्तारी इको थां तों दिखाई गई। खैरा ने पुलिस वालों नौजवान नूं घरों हिरासत च लैण दी CCTV भी फुटेज जारी की है। मोहाली तो गड्डी खोह के भज्जे जग्गू गुरदासपुरिया गैंग के बदमाशों का पिछा करदिआं पंजाब पुलिस नाल हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नैणा देवी मंदिर को जा के एनकाउंटर होया, जिस विच एक गैंगस्टर मारा गया जबकि 2 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मारे गए बदमाश की पहचान सनी मसीह वजों हुई है। दरअसल शुक्रवार रात मोहाली तो यह बदमाश वरना कार खोली के पुलिस से फायरिंग करके भज निकले सन। मोहाली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते बदमाशों का पीछा किया, तीजे सूबे यानी कि हिमाचल प्रदेश में जाके इन्हों का एनकाउंटर किया। खतरनाक गैंगस्टर दिलप्रीत और उसदी 2 गर्ल फ्रेंडा दे गिरफ्तार होने तो बाद नित नवे खुलासे हो रहे हैं। पुलिस गैंगस्टर के राजदार रुपिंदर कौर तो सख्ती नाल पूछगिछ कर रही है। बीते दिन जिते रुपिंदर कौर ने दिलप्रीत के नशे का आदि होने बारे दसिया, उत्थे ही फिर उसने सनसनीखेज खुलासा करते हुए दसिया कि दिलप्रीत उस उत्ते भी गोली चला चुका है। रुपिंदर ने पुलिस को दसिया कि दिलप्रीत दे नवा शहर च उस उत्ते गोली चलाई सी, पर वह गोली उसके ना लग ड्रैसिंग टेबल पर जा लगी जिस कारण उसकी जान बची। रुपिंदर ने दसिया कि दिलप्रीत जदों नशा कर लैंदा है तो वह आपा खो दिंदा है, उसनू कुछ पता नहीं लगता। सिटी ब्यूटीफुल विच औरतां लई हैलमेट लाजमी करन दे फैसले ते श्रोमणी अकाली दल ने अज खुल के प्रशासन का विरोध किया। अकाली दल ने कहा कि वह इस मसले के हल लई UT के प्रशासक नाल मुलाकात करनगे, जेकर फिर भी हल ना होया तां प्रधानमंत्री तक पहुँच करनगे। श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले राही सिख औरतों नूं हैलमेट तो मिली छूट दी जिथे पंजाब राज वालों पूरी तरह राखी की जा रही है, उत्थे सूबे की राजधानी ने बिल्कुल ही उल्ट स्टैंड ले लिया। इस नाल पंजाब अते इसकी राजधानी विच रहिंदियां औरतों लई 2 वक्खरियां किस्म के कानून होंद विच आ गए ने। मौसम तब्दीली कारण महंगाई विच भी वाधा होया, इसका सीधा असर रसोई ते पै रहा है। पंजाब पिछले कई दिनों तो सब्जियां की कीमतों च वाधा दर्ज किया गया है, कई थावां यह वाधा दुगना भी नज़र आया है। कारोबारियों ने सब्जियां दी वधियां हुई कीमतों पिछे सप्लाई की कमी को जिम्मेवार ठहराया। कारोबारियों मुताबक लोकी भिंडी मटर पालक फुलगोभी बैंगन आदि की कीमतें लगभग दुगनिया हो गई ने। पिछले 15 दिनों तो टमाटर हरी मिर्च ते टिंडा खीरा ते तोरियां आदि सब्जियों की कीमतों च भी तेजी वेखण मिली है। जलंधर के मिलाद चौंक च स्थित मोनिका टावर च सेहत विभाग टीम अते कमिश्नरेट पुलिस वालों छापेमारी की गई। पुलिस ने मोनिका टावर च बने एक मैडिकल गोदाम च छापेमारी करके पाबंदीशुदा दवाइयों का जखीरा बरामद किया। मोनिका टावर जिस दुकान तो समान बरामद होया उस उत्ते कोई नाँ नहीं लिखा सी। सेहत अधिकारी अनुपमा कालिया ते सेहत विभाग के इंस्पैक्टर दिनेश कुमार ने दसा कि 3 दिन पहला
ਬਸਤੀ ਮਿੱਠੂ ਤੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਨੀਤ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਨੇ ਮੋਨਿਕਾ ਟਾਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੇਟਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 IPS ਸਮੇਤ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ IG ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਹੰਦ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਾਬਕਾ SSP ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪੈਲਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਮੋਹਿਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਏਸੀ ਪੰਜਾਬ ਟੌਪ 10 ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ 5।